नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की इंटरनल हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, जिससे हमारा काफी सारा डेटा लॉस हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लाते भी हैं और उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, ये चीज हमें पता नहीं होती है और मेरा काफी सारा डेटा लॉस हो जाता है इसी चक्कर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नई हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में और अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों पैकेट्स हैं, अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें है क्या क्या। जैसे कि ये इसमें है, इस पैकेट्स में हार्ड डिस्क है और ये जो दूसरा पैकेट है इसमें हमारी केशिंग है। तो देखिए, ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। जैसे कि मैंने पहले इसकी पैकेट्स को खोल दिया था। ये सीलिंग तो इसकी काफ़ी बढ़िया है। ये शायद हार्ड डिस्क है दोस्तों, ये हार्ड डिस्क है। इसमें इसके रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, डिटेल है इसकी कुछ। ये हार्ड डिस्क है, ये 1 TB की हार्ड डिस्क है और इसको अभी फ़िलहाल रखते हैं, देखते हैं दूसरे पैकेट्स में क्या क्या है, इसमें और कुछ है कि नहीं, देख लेते हैं। बिल है इसमें कुछ, बिल में जो भी इसकी डिटेल होगी। और दूसरा पैकेट्स में के अंदर ये एक बॉक्स है और ये एक बिल है, बिल में इसकी डिटेल वगैरह है। और इसमें देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये एक केशिंग है, बॉक्स है पूरा, और इसमें एक केबल है, डेटा केबल है, और ये एक यूजर गाइड है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा कैसे ये ओपन होती है। यहाँ से इसकी टेपिंग खोलते हैं। ये अभी भी कुछ पैक है, ये वैसे इसका बॉक्स तो बढ़िया है, केसिंग का ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, ऐसे खुल गया। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे लगता है। जैसे कि शायद ऐसे लगेगा ये, टाइट है, और ये इस तरह से फिट हो गया। अब इसमें मैं इसका ऊपर का ढक्कन बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। केबल को खोलने पर ये केबल खुल गई। और अब देखते हैं दोस्तों कि ये कैसे चलता है और कैसे काम करती है। ये केबल हो गई और ये कहाँ पे लगेगा, ये ऐसे लगेगा यहाँ पे, ये लग गया। अब इसके बाद इसको मैं अपने लैपटॉप में खोजता हूँ, ये लैपटॉप है। अब इसमें देखता हूँ कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। जी वाह, क्या बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों, ये पहले कनेक्ट हो गई हमारी हार्ड डिस्क। अब इसमें मैं पार्टीशन बनाता हूँ, जैसे कि अभी कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जाऊँगा मैनेज में जाने के बाद
यहाँ से स्टोरेज में, स्टोरेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे एक हार्ड डिस्क ऊपर दिख रही है जो कि लैपटॉप में लगी हुई। दूसरी जो डिस्क वन दिख रही है ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैंने लगा के रखी है अभी भी। तो इसमें हमको पार्टीशन बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें श्रिंक वॉल्यूम, श्रिंक वॉल्यूम में हमको जो भी साइज डिसाइड करनी है, कितने की करनी है, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि 100 GB की। तो यहाँ पे तो श्रिंक करने के बाद ये मैंने एक 100 GB की बना दिया, जिसमें ये कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेट करके 100 GB का, और यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन बना दिया। अभी ये अनलोकेटेड दिखाई दे रहा, अभी हम इसको इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो कि ये वर्क तो प्रॉपरली कर रहा है, बट यहाँ से न्यू सिंपल वॉल्यूम, और इसको हम नेक्स्ट 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 करके, और ये हम यहाँ से नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, अगर आई ही सही है, और ये इस तरह से थोड़ी सी फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेट होके सही हो जाएगी। ये एक हमारा वॉल्यूम बन गया, एक नई पार्टीशन बन गया। अब इसके अलावा हम और पार्टीशन बना सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर दिख रहे हैं, ऐसे ही मैं और बना सकता हूँ, ये बना लेता हूँ, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। ये श्रिंक में गया और श्रिंक वॉल्यूम, अब आपको जैसे कि 100 GB की मैंने एक बना लिया था, उसके अलावा और भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब इस कैलकुलेटर का मैं थोड़ा सा उपयोग करूँगा, तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूँगा। जैसे कि दूसरी साइज हमें बनानी है 250 GB की, तो 250 GB की मतलब जैसे कि 1 GB में 1025 MB आते हैं, 1024 सॉरी, तो 1024 और इनटू 250, तो ये आएगा 25,256,000। तो इसको अब मैं इसमें डाल देता हूँ, जैसे कि 256,000, ये अब ये मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ श्रिंक में क्लिक कर देना है, और इस तरह से हमारी एक और पार्टीशन मेरा क्रिएट होगा। अब इसको भी हमको, अभी अनलोकेटेड है तो इसको लोकेट करना है, ये हम क्लिक किए और बस नेक्स्ट 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 करते जाना। ये यहाँ पे नाम उसका जे है, और इस तरह से ये फिनिश होने पर फॉर्मेट होगी, फॉर्मेट होने के बाद एक अलग से इसका पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। ये एक और पार्टीशन क्रिएट हो गया, इसमें हम अभी चाहे तो दो और बना सकते हैं, जैसे कि 250 GB की एक मैं और बना लेता हूँ, इसमें 250 GB की श्रिंक वॉल्यूम। तो दोस्तों इस तरह से मैंने चार पार्टीशन बना लिए, इसके एक 100 GB का, फिर 250 की दो, बाकी जो बचा वो एक बना दिया, और इस तरह से हमारे पूरे पार्ट्स बन गए। अब मैं यहाँ पे इसको कट करके बाहर जाता हूँ
और देखता हूँ कि मेरे इसमें कितने हैं। ये अब यहाँ पे ये एच आई जे के चार पार्टीशन और दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसकी स्पीड वगैरह कितनी है। अभी ये इंस्टॉल हो गई है हार्ड डिस्क, इंस्टॉल होने के बाद मैंने पार्टीशन वगैरह सब क्रिएट करने के बाद अब इसकी स्पीड देखनी है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल उठाता हूँ, ये फाइल, और यहाँ पे किसी में भी डाल देता हूँ, जैसे कि ये इसी ड्राइव में ये मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ इसकी स्पीड कितनी है। वाह, स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है, 90, 95, 92, 91, ये 96 तक जाती है, काफ़ी बढ़िया स्पीड है। वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और अपनी पुरानी हार्ड डिस्क से या खराब हुई हार्ड डिस्क से डेटा को नई हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन